मुसलमानों के लिए बहुत ही गौर फिक्र का मकाम है, क्योंकि कुछ सालों से क़यामत की सारी निशानियाँ पूरी होती नजर आ रही हैं। एक सबसे बड़ी निशानी थी कि सऊदीया में रेगिस्तानी इलाकों में हरियाली हुई, आज मुकम्मल हो गई, पिछले 2 सालों से मुकम्मल होती जा रही है। माँ सब घर उमरा करने के लिए गए हुए थे गारे सूर की तरफ। उन्होंने 6 दिन पहले जो वीडियो डाली गारे सूर की, वो अब अब्दुल मलिक फरीद से मिली। उसमें हरियाली की वीडियो, हरियाली देख के गारे सूर के पहाड़ों में माँ सब घर बहुत खुश हो रहे थे। गई आप देख सकते हैं यहाँ पर जितने भी पहाड़ पे सूखे सूखे सब पे हरियाली आ चुकी। और उन्होंने अब्दुल मलिक फरीद से जब पूछा ये अच्छा है, तो वो भी कह रहे हैं लाइनिंग है क्या है उसके, वो भी कह रहे हैं हाँ बहुत अच्छा है, मुझे तो अच्छा लग रहा है। अभी ये हरे हो गए हैं, पिछले साल भी हरे हुए थे, इस साल भी जी, उसके पहले 12-15 साल हरे नहीं हो रहे थे। नहीं हो रहे थे। अच्छा हो जाएगा तो हरे होने लगे तो अच्छा, हरे हो गए तो अच्छा है। हाँ अच्छे लगते हैं। उन दोनों को ये बात नहीं पता ये कैंप की सबसे बड़ी निशानी होनी चाहिए। नजारा है सऊदी अरब सरजमीन का, ये बिल्कुल रेगिस्तान इलाका था, लेकिन अब यहाँ धीरे धीरे हरियाली बढ़ती जा रही है, जो कि आप इस वीडियो में देख सकते हैं, जो कि सोशल मीडिया पर इस वक्त ये वीडियो बहुत वायरल हो रही है। और ये तो अभी की बात है, लेकिन मेरे आका मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 1400 साल पहले फरमा दिया था कि कयामत उस वक्त तक नहीं आएगी जब तक कि सऊदी अरब की सरजमीन हरी भरी फिर से ना हो जाए और नहरों में तब्दील ना हो जाए। आज आप साफ साफ देख सकते हैं कि अरब की जमीन पर हरियाली होना शुरू हो चुकी है, और ये अभी का नजारा है वादियों रूम का। अरब के रेगिस्तान की जमीन के अंदर नदियाँ बन चुकी है जहाँ पर लोग जमा हो चुके हैं देखने के लिए। ये शहर मक्का का नजारा है और यहाँ मदीना का नजारा है। और इतना ही नहीं दोस्तों, अरब की सरजमीन पर बर्फ गिरना शुरू हो चुकी है। ये कुछ दिन पहले वही का वीडियो है। इस इलाके का नाम है तबूक और ये सऊदी अरब में ही आता है। अल्लाह के नबी जितनी भी कयामत की निशानियाँ बताई थी और ये धीरे धीरे एक एक करके सच होती जा रही है। कयामत की सबसे बड़ी निशानी है, वहाँ सदर की वीडियो भी चेक कर सकते हैं जो ये थंबनेल है और ये टाइटल है। और माशाल्लाह से माँ सदर 3 बार उमरा भी करके आ चुके हैं, और इस वीडियो में आगे मीना और अरफात की तरफ जाते हुए हम बोलते हैं और अब हम जा रहे हैं मुजल्फा और मीना अरफात भी। अच्छा ऑलरेडी मैं 3 बार जा चुका हूँ और 3 बार मैं उम्रे के टाइम गया हूँ, हज के टाइम नहीं गया। हाँ तो किसी बार है मेरा वहाँ जाना, इस बार वो दुआ करूँगा भाई नेक्स्ट ईयर मैं हज पे आ जाऊँ। मुझे हज पे बुलाया आपको, हज पे बुलाया अल्लाह ताला, और अब तो सलम भी सबके हम तमाम मुसलमानों को हज पर बुलाया अल्लाह यार बुला। वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं, उम्मीद है आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, और अच्छी लगी होगी तो लाइक सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, और दोस्तों से शेयर भी करिएगा जिसको इस बात की नॉलेज मिलेगी। अल्लाह हाफिज़।